चंबा में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा हेतु चंबा मेडिकल कॉलेज के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सभी लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं, इस विषय पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। चंबा में स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी युक्ति धर शर्मा ने की। बैठक में MOH डॉक्टर राम कमर, जिला कार्यक्रम अधिकारी और विभिन्न ब्लॉकों से खंड स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। बैठक में जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक किस प्रकार पहुंचाया जाए, इसके बारे में भी चर्चा की गई। CMO चंबा द्वारा सभी खंड स्वास्थ्य अधिकारियों को सभी योजनाओं को कारगर ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए, ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। डॉक्टर राम कमल ने बताया कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में इन योजनाओं की समीक्षा की गई है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जितने भी हैं उनको हर महीने की तरह इस बार भी रिव्यू किया गया। इसमें जो था सबसे जो ज़रूरी है वो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, उसका पूरा जिले का रिव्यू किया गया ब्लॉक वाइज, और सारे आपके जो सिविल हॉस्पिटल हैं, सब सेंटर हैं, PSCs हैं, CSCs हैं, उन सब का जो है रिव्यू किया गया। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो है, जो एक्ट की जो है उस तरह से ऑथराइजेशन और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सारा रिव्यू किया गया। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड जो है, आयुष्मान भारत के तहत जो कार्ड बनने हैं उनका रिव्यू किया गया। साथ में सबको इंस्ट्रक्शन दी गई कि हिम केयर जो योजना है, क्योंकि उसकी अल्टीमेट डेट जो है 20 जून तक बढ़ाई गई है, तब तक जो है वो सब लोगों के जो है हिम केयर जिनके नहीं बने हैं, आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं या किसी और योजना के अंदर नहीं आते हैं, तो उनको जो है हम हिमकेयर जो है उसके अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।